अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरात मंडी और यहाँ पर लगती है घोड़ों की मंडी। गुजरात मंडी लगती है, यहाँ पर घोड़ों की मंडी लगती है और यहाँ पर अच्छे घोड़े भी आते हैं जो टांगों में जो है ना वो काम करते हैं और टांगों के बगैर भी काम करते हैं। और यहाँ पर ये इस तरह के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। अगर आप शौकीन हैं और घोड़ा लेना चाहते हैं और बच्चे लेना चाहते हैं तो आप गुजरात मंडी का विज़िट करें। यहाँ पर आपको छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे और बड़े घोड़े भी मिल जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि मेरे वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। इंशाल्लाह आज ये आपको मैं घोड़े का बच्चा दिखाता हूँ और पहले आप बच्चा ये देखें, ये वाला माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है। हाथ पैर से बिल्कुल है जो है ना वो साफ़ है और मालक भी मेरे पास खड़ा हुआ है। इधर आओ भाई, फड़ो तो फट तो सही कुछ नहीं होता है जी। इन ऑनर है जी, तो आ गया जी हूँ ऐ ऑनर जी। की ना की वीर जी तेरा? अनवर है जी। अनवर के कोल बछेरा है जी, पहला तुम मैं बछेरा विखा देना। हथा पैर का साफ है, रखने वाला बछेरा हथा पैर का। ए वेखो ना गोल गोल पैर है जी, तो छोटा जहा बछेरा और माशाला बहुत ही खूबसूरत चीज़ हैगी है। यह वेखो छोटा जहा छोटी जी बूथी है, कन्न कुन का साइज भी माशाला ठीक है। बन वाली शायद ये तो बच्चा है, जो तो खुराक देवोंगे तो फिर बन भी जाएगा। तो अनवर के कोल है, अनवर ने बड़ी मुश्किल रिक्वेस्ट की है कि अनवर जा ही ना जरा मैं जरा वीडियो बना लैन दे, ते ओ रुक गया। तो लो जी अनवर के कोल। अनवर इनकी उम्र कितनी होएगी? 8-9 महीने। तो ये जो बछेरा है ये यानी कि घोड़ी सूई सी या किधरों ले आई? मुल लिया सी। ठीक है, मंडी के बिचों ही क्या पिंड के बिचों ही? लो जी इन भी अनवर कहता है कि जी ये मैं जड़ा ना मुल लिया सी ते हुण वेचण वास्ते आया। तो कोई रेट शेट लग्या इहदा किन्ना क लग्या? अठाई उन्ती हज़ार रुपया। लो जी तुहानू बछेरा मैं पिछों विखाना। ये है वे 28-29 हज़ार रुपया जी बछेरे का जरा ना वो रेट लगता अनवर नू। तो अनवर ने हाले दिता नहीं। वैसे अनवर भाई तुसी किन्ने पैसे मांग रहे जे? 35। ठीक है, तो अपना इलाका केड़ा है? गुजरात। गुजरात है? ठीक है। लो जी अगर किसी को चाहिए हो तो अनवर नू कॉल शॉल कर सकते जे। अगर इंदा विक गया तो ठीक है, जे अगर नहीं विकता तो फिर अगर तुसी बछेरा लैना है तो तुसी बछेरा अनवर को लै सकते जे। अनवर का जरा रबता नंबर अनवर मोबाइल नंबर तेरा की है? कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर किसी को चाहिए हो बछेरा तो की रबता नंबर की है? कोई गल नहीं, ऐसी डरन की कोई लड़ नहीं, परेशान होने की कोई लड़ नहीं। अगर किसी को बछेरा चाहिए होगा तेन कॉल कर लगे अनवर तेरे को बछेरा इतने भी तो मंडी से भी आप वेचण वास्ते आए हैं ना। ठीक है, तो इतने भी तो लोगों ने लै ही लेना। तो ये जोड़ा है ये बछेरा तेरा नैट पर भी विक जाना, इसलिए इन घबराने वाली कोई नहीं। कोई गल नंबर तेरा की है? हाँ जी पुलिस तो भाजी बड़ा डरते जे ना दो नंबर काम करो तो ना चके। हाँ वो कि लावा भी तो चक के किसी का लैके आया। हाँ नंबर दस वो उनकी गल फिर सच्ची हैगी है। उनकी गल फिर सच्ची है। चल मुंडे का दस दे। हाँ जी मुंडे का दस दे। लो जी वह नहीं दसदा जी बंदा जी जरा पहला ही थोड़ा जहाँ चल टोर के ही विखा दे यार तू ना भाई नंबर दस। हाँ चल अं टोर तो सही। लो जी अनवर टोर के तेन विखा दा जी उरा टोर के उरा लाया उरा पजा ही लिया उरा उरा नंबर नहीं दिता तो लिया लै लै उरा तो लिया अनवर उरा तो लिया। लो जी गड्डी आ गई अनवर जरा यरक गया वो नंबर नहीं देना। लिया लिया अनवर
लो जी बछेरा जान से अनवर हूँ नंबर ना दसे तो फिर गल नहीं हैगी हूँ आप गल को नहीं हैगी सारा कुछ हो गया पूछल हूँ अड़ गई तो फिर फायदा की ना तेरा कुछ बनया ना मेरा कुछ बनया नंबर दस दे हूँ इन्होंने झूठे कर दे ख्वाब सारे नंबर दस दे चेचे की नंबर की है हाँ 0300 0300 चलो जी हूँ बछेरे के फोन मैनू आन लग पे लो जी नादरी नंबर नहीं दिता तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर जरूर कीजिएगा जी इजाजत चाहता हूँ जी ए वेखो जी अनवर को मोबाइल है पर नंबर नहीं उन्हें देना ए हूँ सुनेगा ए फोन हूँ सुनता पाया मैं उन्होंने बड़ी लाइए टिल लाया पर मैं नंबर नहीं दिता लो जी अल्लाह हाफिज़।